अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जुल्कर नैन ताहिर। मेरी तरफ़ से और टीवी टुडे की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। यू गोना हैव फन एंड गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपकी ईद को दुबाला करने के लिए हमने बहुत ही टैलेंटेड और ख़ूबसूरत मेहमान जो हैं वो इनवाइट किए हैं, और फर्दन फर्दन उनका मैं तारुफ करवाता हूँ। स्मॉल तारुफ, बाकी तो ये खुद ही बताएंगे, अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, जो आपको बिल्कुल अम्यूज़ करेंगी। और हमारे साथ एक इंतहाई सुरीली आवाज़ वाले सिंगर भी मौजूद हैं, वो आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे और आप सुनेंगे और वो आपको, जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे आपकी मेमोरीज़ में। क्योंकि जो भी गाना हमारी मेमोरी से जुड़ा होता है, हम सुनते हैं तो उस टाइम पर वो हमको ट्रांसपोर्ट कर देता है। हमारी दाई के बाई किधर से, सबसे पहले तो आपने हमें खूबसूरत कह दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज भी अड़ गई थी। मैं सोचा था, मैंने कहा खूबसूरत को किस तरह से यूजुअली लोग लेते हैं उसमें। तो जैसे कह लें कि पहले शुमैला चौधरी साहबा से स्टार्ट करते हैं। अ पायलट टर्न जर्नलिस्ट, अ पायलट टर्न एंकर पर्सन। इस्माइल कासिम साहब हैं हमारे साथ, एंकर पर्सन एज वेल एज ए सोशल मीडिया सेलेब्रिटी, और काफ़ी ये सोशल मीडिया पे आगे चल के नाम बनाएंगे। आई होप के वहाँ पे उतना ही नाम बनाएं कि उठाएं ना जाएं यहाँ तक, ठीक है। और हमारे साथ दाएं तरफ हैं आमना ताहिर, अ टीचर टर्न्ड एंकर पर्सन। शी इज़ डूइंग ए प्रोग्राम ऑन टीवी टुडे, और इनकी सक्सेस स्टोरी, इनकी लाइफ स्टोरी इनसे जानेंगे। एंड लास्ट क्या कहते हैं, नॉट द लीस्ट, जफर सुल्तान सिंगर भी हैं। इंटरेस्टिंगली आज ईद का मौका है, ये शेफ भी हैं, अच्छे खाने इनकी बेगम बहुत खुश होती होंगी, और बाकी भी घर वाले के क्या बात है जी। और इंटरनेशनल चेस प्लेयर भी हैं, और फाइनली उनके डोलों से आपको लग रहा होगा ये फिटनेस ट्रेनर भी हैं। सो चार कैप इन्होंने पहनी हुई हैं, लेकिन जो पहली कैप है जिसमें हम भी और आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि हमें कोई अच्छे से गाने के साथ प्रोग्राम की, जिसे कह लें कि इनॉग्रेट करें जी। इनफैक्ट ईद की सही रौनक तो जफर साहब हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताहिर साहब आपका और इस चैनल का, कि आप लोगों ने मुझे इस इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका शुक्रगुजार हूँ। और इस ईद के हवाले से मैं एक किशोर साहब का गाया हुआ बहुत खूबसूरत एक सॉन्ग आप सबकी नजर करना चाहूंगा, ठीक है, और ऑडियंस की तरफ भी, ऑडियंस की। और आपको पता है कि किशोर की वॉइस को कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल वॉइस, मीन यूनिवर्सल वॉइस है। बिल्कुल, कि हर वो कहते हैं कि, वैसे तो उस टाइम पे जब ये गा रहे थे, मैं बताता चलूं कि पहले इसमें राजेश खन्ना एंड देन अमिताभ बच्चन के ऊपर वो बड़ी सूट करती थी, लेकिन बाद में ये था कि भाई ये कोई, ये इनकी यूनिवर्सल वॉइस है जी। किसी भी मेल के ऊपर जिसे कहते हैं कर दो, वो लगेगा वही के वही गा रहा है। सही। ये चंद बोल मैं आपके, आपको सुनाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार, जिसके हवाले से मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, और उसके हवाले से ये चंद लाइनें आपकी नज़र जी। हो चेहरा है या चांद खिलाए, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर, कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है, कैसे कैसे ख्वाब ये दिल, दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली,
ये तो बता तेरा नाम है क्या। इस्माइल बताएं, वो टीनेज में तो नहीं चले गए, ट्रांसपोर्ट कर दिए? नहीं, वो लगते ही टीनेज थे। नहीं नहीं, माशाल्लाह, टीनेज में जिसे कहते हैं काइंड ऑफ फर्स्ट लव, इस टाइप के गाने से आ जाता है। याद तो नहीं आ गया। आपसे स्टार्ट करूंगा, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में। हमने बहुत भाई देख लिए, डॉक्टर, टर्निंग इनटू या टर्न टू एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, हाँ जी, इंजीनियर्स। भाई हमारा जो जर्नलिज्म है इसमें कहते हैं यार, मतलब इसमें जर्नलिज्म की डिग्री वालों के लिए छोड़ दे, हम तो ये भी एक डिबेट चल रही होती है। अब एक पायलट का, जिसे कह लें कि वो रह गया था कि पायलट टर्न इनटू एंकर पर्सन, तो मुझे बताएं कि वो प्रोफेशन इतना हल्का हो गया जर्नलिज्म की तरफ आ गया, या जर्नलिज्म में थोड़ा लगता है जरा कि इसमें जर्नलिज्म के डोले जरा तगड़े हैं जफर साहब की तरह के, तो इसमें जरा पंच ज्यादा लग सकता है, बताएं थोड़ा सा। एविएशन है ना, वो हौला नहीं हो गया। बट ये एक तरह से अगर इसको रिलेट करें तो कोई सेकंड ट्राई नहीं होगी। एविएशन में भी आप घूमते फिरते, लोगों से इंटरेक्शन, मिलना, गपशप और एंजॉय करना होता है। जर्नलिज्म में आके भी मुझे यही लगा कि इससे अच्छी रौनक कहीं और है नहीं। बताएं थोड़ा सा, नाज़रीन इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि आप पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं, आपको देख के लगता नहीं है, डर ही लगता है। क्यों नहीं लगता? एतवार करें मुझ पे। तो बताएं कि कब आपने जहाज उड़ाना सीखा, उसके बाद किस पॉइंट पे आपको लगा कि थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ भी आना चाहिए और अब आप मीन एंकर पर्सन है, प्रोफेशनल उसमें आ गई है। पहले आपने जाहिर है इसमें डिग्री विग्री की, थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी बेटी थी, पेरेंट्स की बहुत अच्छी बहन थी अपने भाइयों की, कि मैंने पहले नॉर्मली सब जैसे बच्चे पढ़ते हैं, मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, जबकि फ्लाइंग मेरा एक पैशन था, एक जुनून था। मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे वो जहाज उड़ता देखते ना तो आपका दिल करता है कि यार वो जहाज जा रहा है, मैंने उड़ाना है। तो वो था, जब मैंने घर में बात की कि मुझे फ्लाइंग करनी, जब बच्चों से पूछा जाता है क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा फ्लाइंग, तो उन्होंने कहा फ्लाइंग की रिक्वायरमेंट तो FSCFA के बाद आप फ्लाइंग में चले जाते हो, अगर हमने इसको अभी से फ्लाइंग में भेज दिया ये तो पढ़ेगी नहीं। तो मुझे ये कहा गया कि पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, नॉर्मल एक डिग्री करके दें हमें, उसके बाद जो आप कहेंगे फिर आपसे करवा लेंगे। तो फाइनली मैंने पहले रेगुलर अपनी स्टडी को कम्प्लीट किया, मैंने मास्टर किया, MBA किया HR में, उसके बाद फिर मैंने फ्लाइंग में चली गई और फिर मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली, और 17 में स्टार्ट की, विद इन 2 ईयर इसको कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद साथ साथ मेरे शौक कम नहीं हुए फ्लाइंग में आने के बाद। मुझे लगा पहले मैंने घर वालों की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, उसके बाद फिर फ्लाइंग की अपनी जो एक थ्रिल थी, एक बचपन से शौक था, जुनून था, पैशन था, वो सारा कम्प्लीट किया। उसके बाद हाँ, आपको ये बताऊं कि ये मेरा फ्लाइंग के बाद इसमें आने का कैसे इरादा बना जर्नलिज्म में। उसके साथ साथ मैंने, मुझे एक और शौक चढ़ा, मेरे पैशंस बदलते रहते हैं। एक जगह रुकने का ना मेरे साथ नहीं मैच होता। इट मींस कि यू आर वेरी अनलाइक पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन अपन का किसी तरह पावर, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर, इसमें पॉलिटिशियंस, कोई लंदन से आ रहा है, कोई लंदन जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे शौक में ये एक सियासी वर्कर भी हूँ मैं, थोड़ी बहुत छोटी सी। तो इसके बाद फिर मुझे शौक हुआ कि यार क्यों ना, मुझे सबने कहा यार तुम फ्लाइंग तो करती हो लेकिन तुम बातें बहुत करती हो, तो तुम लॉयर ही बन जाओ। ये तो आपने बताया नहीं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। Another cap, you are doing. जब कोविड में हम सारे ग्राउंडेड थे, घर पे बैठे हुए थे, फ्लाइंग और कुछ नहीं हो रहा था, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों टाइम वेस्ट किया जब आप कुछ कर नहीं रहे। तो फिर मैंने LLB में एडमिशन ले लिया, फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से LLB किया, तो मैं लॉयर भी हूँ। जब मैं वो कर रही थी तो घर में एक दिन हम डिनर पे बैठे हुए थे, मेरी आंटी, उन्होंने कहा यार तुम जर्नलिज्म क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा अच्छा, अगर आप ये कहती हैं तो मैं जर्नलिज्म भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर मैंने जर्नलिज्म पढ़ना शुरू की। जब जर्नलिज्म में आई तो डिग्री के साथ साथ इंटरेस्ट हुआ कि प्रैक्टिकल भी, तो फिर उसके बाद मैंने एक टीवी चैनल ज्वाइन किया। सो
आपकी स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं प्रोग्राम एंकर भी हूँ. मैं सबको बता दूं कि मैं जुल्करनान साहब की स्टूडेंट भी हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में. बिल्कुल अच्छी स्टूडेंट रही हैं. फ्लाइंग के साथ फिर लॉ भी कर लिया, फिर जर्नलिज्म भी कर ली, और उसके बाद फ्लाइंग तो वैसी ही है. माशाल्लाह. एज क्या आपकी? एक और चीज है, आपने इनको कहना था लगता तुसी और गाने नहीं सुनाने. उन्होंने अपना ही जाना, इसलिए मुझे मसला नहीं, उनको मसला होगा. नहीं, माशाल्लाह इतना आप टैलेंटेड हैं और इतने आपने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इतना माशाल्लाह अचीव किया है, तो ऑडियंस जरूर ये जानना चाहेगी कि आपकी एज क्या है. इतनी कम एज में माशाल्लाह मुझे जहां तक महसूस होता है कि आप ना, मुझे जहां तक अगर जिसे कहते हैं कि वो जिस तरह शेक्सपियर कहता है नथिंग इन नेम्स, इसी तरह का एक एक और पोइट है वो भी कहता है नथिंग इन नंबर. अगर आपको नंबर ही चाहिए, लेकिन नहीं नहीं सुने तो सही. अगर आपको नंबर, आप इफ यू आर इंसिस्टिंग और कीप पुशिंग अस, तो आपने जितना पुश कर लिया उसका आंसर फिर ये है, मेरा ख्याल 21. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, यही 18 प्लस. आप यकीन करें कि मैं इतनी देर से यही सोच के बैठा हुआ था कि माशाल्लाह जितना आपने अचीव किया है, तो इतनी यंग एज के अंदर, जैसे मेरा जहां तक मैंने सोचा हुआ था आपकी एज के बारे में, कोई 19 के करीब, 19 इयर्स ओल्ड. बस ठीक हो गया. अभी आप एक हमें अच्छा सा हाँ जी, इन पे सॉन्ग जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं. बहुत खूबसूरत सॉन्ग है जी. सलमान रन कीजिए, कौन सा कर रहे हैं? बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहां थी मुझे ये खबर, हो कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूं या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ. और जिसे कह लेंगे थैंक यू, और जिसे कह लेंगे लेडीज फर्स्ट, लेडीज के बाद वो अनदर लेडी, गर्ल्स थैंक यू प्लीज. और वो इंग्लिश मूवीज में बड़ा एक्सप्रेशन होता है ना माय लेडी का भी, इट्स अ वेरी रोमांटिक एक्सप्रेशन एज वेल एज ए होल. तो जी मिस आमना आप बताइएगा. जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही मेरी भी स्टोरी है कि जैसे जैसे जो भी कोई कह रहा है उसको पूरा करते जाओ. मुझे ऐसा लगता है कि शायद लड़कियां जो होती हैं ना उनको वो हर एक की बात सुनती हैं और वो चाहती हैं कि हर एक को खुश रखा जाए, इसलिए वो जो पेरेंट्स ने कह दिया वो करती हैं, फिर उसके बाद बहन भाई जो कहते हैं वो करती हैं. अभी आपने स्टार्टिंग में कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो स्पेशली क्योंकि एक थोड़ी सेंसिटिव भी होती है, इसलिए उसके अंदर ये होता है कि जिसने भी कहा है ना बस पूरा करना चाहिए. तो ऐसे ही था कि जब मैंने मास्टर किया है मैस्कॉम में, तो साथ साथ मैंने टेफल भी किया, तो उसमें फिर ये हुआ कि हमारे टीचर्स ने बोला कि आपने इस फील्ड में नहीं आना, मीडिया फील्ड में लड़कियों ने नहीं आना है. क्या इसकी रीज़न ये थी कि दो चीज़ें, मतलब वेरी वेरी फ्रेंकली एंड ब्लंटली, एक तो पैसे इसमें कम है और दूसरा ख्वातीन के हवाले से कोई हरासमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है.
अब ये नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे हमारे टीचर्स हमें यही माइंड में डाला था कि आपने नहीं आना. तो स्टार्टिंग में तो ये पैशन था, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो तो तब ये पैशन था कि नहीं, एक स्क्रीन है, स्क्रीन का एक अपना चार्म है, तो पूरा ग्लैमर भी है, तो ये करना चाहिए. तो फिर जब उसमें मैंने मास्टर डिग्री कर ली, तो बाद में फिर जब एक फिर वो माइंड वॉश हो गया, ब्रेन वॉशिंग हो गई कि नहीं अब इस फील्ड में नहीं आना, छोड़ दें इसको. तो उसके बाद से फिर सीएसएस अटेम्प्ट किया, तो वो भी कुछ क्राइसिस हो गए, तो उस वजह से फिर वहां पर. बेस्ट थिंग इज दिस कि सीएसएस का आपको अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए. अगर आप नहीं करते ना, तो किसी ना किसी बैक ऑफ द माइंड में आपका रह जाता कि यार रिग्रेट रहता है कि मैंने करना चाहिए था, फेल ही हो जाता ज्यादा से ज्यादा, और क्या बात है. लेकिन वो रिग्रेट आपका नहीं होता. वो था क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को था कि आप सीएसएस करो, और एक साइड पे उनको ये भी था कि एलएलबी भी करो, लेकिन मैंने सीएसएस को प्रेफर किया, तो फिर मैंने सीएसएस अटेम्प्ट कर लिया. लेकिन उसके बाद फिर मुझे टीचिंग का खुद ब खुद ही पैशन एक अपने अंदर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये एक फील्ड मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि नहीं, इसमें बहुत रिस्पेक्ट भी है, और ये टीचिंग की फील्ड जो है, फिर मैंने उसको ज्यादा प्रेफर दिया. और मैं खुद भी अभी तक जो टीचर के कहने पर चल रही हूँ, यानी कि उन्होंने पहले मना किया तो मैंने इनकार कर दिया, फिर उसके बाद मुझे अब इस फील्ड में लाने वाले भी मेरे टीचर. सो व्हिच वन यू एंजॉयिंग द मोस्ट, मीन जर्नलिज्म, मीन एंकर पर्सन पोजीशन, या के टीचिंग? दोनों का अलग अलग है. अगर चॉइस दी जाए अभी आपको, अब तो टीचिंग आप कर नहीं ना कर रहे, नो मोर यू डूइंग टीचिंग, तो अब दोबारा टीचिंग में जाना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो एक रिस्पेक्टफुल है, तो एक अपनी उसकी अलग जगह है, वहाँ पर एक अलग आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है बच्चों से, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं उनसे एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है. इस चीज़ का चार्म अलग है, लेकिन उस चीज़ की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो और, जो और आप अगर उससे जुड़े रहते हैं तो आप लर्न भी और करते वो हैं. लर्न आप बहुत थॉट इंस्पिरेशन आपको आ रही होती है इससे, स्टूडेंट के साथ जुड़े रहते, तो उनके साथ जुड़ने से वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज है. लेकिन दोनों का फ्लेवर वो डिफरेंट है, और अच्छा लगता है दोनों का फ्लेवर टेस्ट करना, यहाँ भी और वहाँ भी, तो दोनों. राइट राइट. नाज़िर, इससे पहले के जफर साहब से हम एक और गाना सुने और इनकी थोड़ी लाइफ स्टोरी सुने, थोड़ा सा 5 मिनट के चंक में हम इस्माइल कासिम साहब के पास आते हैं और इनकी लाइफ स्टोरी या सक्सेस स्टोरी के ऊपर. मेरी स्टोरी है नहीं, फुल टाइम स्टोरी है ना, ने सस्पेंस दिया, लेकिन कोई सक्सेस मेरे ख्याल है कि जर्नी है. सक्सेस हर किसी की डिफरेंट डेफिनेशन होगी, तो वो मेरा ख्याल है स्ट्रगल मेरे लिए बेहतर वर्ड है, जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ. लर्निंग एक और वर्ड है जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ. एवरी डे इज अ न्यू डे, सीखने की कोशिश करते हैं. और जब से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ या इससे पहले से भी लेके, तो स्ट्रगलिंग एंड लर्निंग, दीज आर द टू थिंग्स that keep me motivated every other day. तो हर गुजरते दिन के साथ यही कर रहे हैं जाके. अब तो जर्नलिज्म के अंदर आके, हार्ड रॉक पॉलिटिकल कंटेंट के अंदर आके, तो थोड़ा सा इंप्रेशन वाइज और माइंडसेट चेंज हो जाता है. आप मुल्की हालात को देखते हो. ईद है तो मैं अपनी वो पॉलिटिकल साइड थोड़ी दूर रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा. मुल्की हालात तो ऐसे ही है भाई, 70 साल से मोर और लेस ऐसे हैं, और आगे भी अल्लाह जाने कितने साल मजीद लगते हैं. अभी टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगेगा. जल्द देर आए दुरुस्त है, हालात बेहतर हो जाएंगे. लेकिन यंगस्टर्स आ गए हैं, तो इंशाल्लाह चेंजिंग तो होगी. बिल्कुल, ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले माय रोल, और आई बिलीव कि एवरी इंडिविजुअल शुड प्ले देयर रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो ज्यादा जरूरत है. तो आप ज्यादा सोशल मीडिया सेंसेशन भी बने, सेलिब्रिटी बने, इन द सेंस के थोड़ा उसमें आप ये कह लें सोशल मीडिया पे आप ज्यादा एक्सपोजर जो है वो थोड़ी सी ट्रबल भी इनवाइट कर लेता है, जो कि आपने की या ऑटोमेटिकली हो गई, तो वो थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा. और अभी सोशल मीडिया को फिर उसके बाद से आपने जैसे कह लें कि कोई बैलेंसिंग एक्ट आपकी तरफ से परफॉर्म हो रहा है. तो सर, देर इज़ नो बैलेंसिंग एक्ट. कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता. आपके प्रिंसिपल स्टांस होता है, प्रिंसिपल स्टांस सिंपल सा है कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए. वो एक लेके चल रहा हूँ. औरतों का इख्तलाफ है ही नहीं, हम कौन होते हैं इस मुल्क के अंदर रहते हुए इदारों से टकराव लेने वाले. बट जहाँ तक स्टोरी की आपने बात की, तो यस, एक चैनल से स्पेसिफिकली ऑफ एयर हुए. आई रिमेंबर अदर इंस्टेंसेज जहाँ पे एक और शो मेरा बंद हुआ. एक और जगह पे भी शो से 5 मिनट पहले एक पैगाम दिया गया कि जी अब आपने अगर शो पे बैठना तो ऐसी बातें नहीं करनी. तो ये मामला तो चलते रहते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अ स्टोरी जो कि मैं बड़ी फ़ख्र से या कहीं पे जाके
स्पाइसी मटेरियल के लिए सुनाता हूँ जाके, मैं कहता हूँ कि ये यूजलेस चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। आई हैव सम राइट्स और मैं उन राइट्स को यूटिलाइज कर रहा हूँ भाई, मैं तो बोल रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल देता है मुझे, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर मैं आर्टिकल 19 भी नहीं मैं पूरा कर सकता, 243, 44, 45 अलग आर्टिकल्स जो हैं वो आपने तोड़ के फेंके हुए हैं, तो फिर वो मामला खराब हो जाएगा। लॉयर की जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपसे तो हम वैसे ही इतना डर गए हैं, पायलट भी हैं, लॉयर भी। एक और भी है जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये एक्टिव हैं और काफी बोल्ड बोलते हैं, इनको वैसे भी जरूरत पड़ जाएगी। आई बिलीव की जरूरत नहीं है जाके पाकिस्तान की आवाम, मेरा ख्याल है इसमें शऊर आ गया, मेरा ख्याल है जाग गया। सो एज लॉन्ग एज यू हैव द मैसेज बिहाइंड यू, एज लॉन्ग एज आपके साथ अल्लाह की ज़ात है, तो बाकी जो उठाने वाले हैं उनमें भी थोड़ी बहुत सैनिटी तो मेरा ख्याल है प्रिवेल करती है कि फॉर नो रीजन एट ऑल आप किसी को क्यों तंग करेंगे। तो मेरे तो मामला वैसे ही बड़े अच्छे जा रहे हैं। इसमें इनका मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और ही वॉज द टाइम एंड करेंटली इमेंसली टैलेंटेड, और मुझे तो आगे ये उम्मीद है कि ये मुल्क का नाम हर तरह से रोशन करेंगे, लेकिन एट टाइम्स जो कंट्री के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से बाकी टैलेंटेड गायस कह लें, टैलेंटेड पर्सनस हैं हमारे स्टूडेंट स्पेशली या प्रैक्टिकल फील्ड में जो आगे अचीविंग लॉरल्स, तो वो कंट्री को छोड़ने के हवाले से बड़े सीरियस हैं। यही क्वेश्चन आपके है कि आपका भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन वापस भी आ जाएं, सेटल होना उसमें भी हो जाएं, मतलब देखें दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। मुहिब्बे वतन होने का मतलब ये जो है मायूसी यूथ में वो ज्यादा आ गई है सर, यूथ अगर हम बिल्कुल ऑफ इयर्स ले लें स्पेशली, तो पता क्या देखें आपको दिखाया क्या जाता है, एग्जाम्पल इसके आपके मुल्क के हालात ये हैं कि हम यहाँ पे सामने अपना अच्छी मजे की चीजें रख के वो छोड़ के ईद मनाते हुए हम इधर आ गए। मतलब जफर भाई की बात करें तो अपना वो कुर्बानी का बकरा और वेड़ा छोड़ के इधर पहुंचे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि ये हम खाएंगे कब? अभी अभी स्टार्ट करें, ये हमने कुर्बानी दे दिया, देखें ले स्टार्ट करें। तो द पॉइंट इज कि आप यूथ में मायूस तो होना है, यूथ का आपने आप समझे इस बात को कि यूथ मायूस फॉर अ रीजन। ले ले उठा ले पूरा उठा ले, आई डोंट ब्लेम, सिर्फ रखे मैं लेता हूं, आपको पूरी प्लेट देंगे, मैं लेता हूं, रखें। तो यूथ, थैंक यू, यूथ फॉर अ रीजन जो है परेशान है, यूथ फॉर अ रीजन मायूस है। आप इन्फ्लेशन रेट्स को देखें, आपने इकोनॉमिक चीजों को, मैं ऐसे शोश हो जाएगा इसलिए मैं वापस लेके आता हूं। सर मेरी तारीफ भी करें, मैं भी आपकी स्टूडेंट हूं। जी 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 जी, आपने मेरी तारीफ की, इमेंसली टैलेंटेड, आपने तो सब माइंड बॉगलिंग है, फ्रॉम पायलट जहाज आपने लैंड कर दिया जर्नलिज्म की दुनिया में, लॉयर्स भी अच्छा लगता है। हाँ जी, उस पर अभी आपको मजीद जानेंगे, आपने मजीद करना क्या है, मजीद क्या एक्सप्लोर करना है, अगले राउंड में आपकी तरफ आऊंगा। और बिल्कुल पर्टिनेंट जो आपने, बिल्कुल खत्म होती है सर कि यूथ की जो मायूसी है, आई बिलीव के जायज जो हालात आपने उनको प्रोवाइड किए उसके अंदर अगर वो बेहतर अपॉर्चुनिटी देख के मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी जायज है, बट देन अगेन आई बिलीव के वापस आ जाए एक पॉइंट पे, आगे मुल्क को सर्व करें। और यहाँ के जो हालात हैं अगर आप ये छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो शायद कोई ठीक करने वाला रहेगा नहीं, वही लोग जो पावर कॉरिडोर है उसी के अंदर से मुल्क चलता रहेगा और वही आप चलाते रहेंगे। good, good. तो वापस आ जाएं, काम करें, जाके पीएचडी करके आए, जाके मास्टर्स करके आए, कोई बड़ी बात नहीं है, स्कॉलरशिप्स पे जाएं, उसके लिए आप फेलोशिप्स पे जाएं, फेलोशिप्स के बाद आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाएं, तो देयर इज लॉट्स दैट यू कैन डू। इसके बाद गाना बनता है, गाना बहुत सीरियस हो रहा है, प्लीज जफर साहब आप पे है, अभी आपकी लाइव स्टोरी हम सुनेंगे आपके गाने के बाद। yes. तो हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएं, आपका अपना कलाम भी है और वो भी बताइएगा आप जिनके शागिर्द हैं इसमें। जी बिल्कुल, मैंने मेरे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरे उस्ताद हैं और काफ़ी कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला। सलमान गाना बन करना, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई भी टैलेंट जो भी होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, जब तक गॉड गिफ्टेड ना हो तो वो उसमें आगे नहीं जा सकता कोई भी शख्स, तो ये अल्लाह की तरफ से देन होती है। और कोई भी टैलेंट जो मैं समझता हूँ कि उसको जब तक इंसान उसको आगे जैसे कमर्शलाइज ना कर ले जब तक, तो वो टैलेंट नहीं है, उसको बिल्कुल आप हिडन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो टैलेंट होता है वो खुद सामने आ जाता है और कई कई नहीं लेके आ पाते, तो उनको चाहिए कि अपने टैलेंट को आगे लेके आए। आजकल वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है और इतना अच्छा आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म अपना अपने शो के जरिए मैं समझता हूँ दिया हुआ है, तो इसको अवेल करना चाहिए।
अच्छा कौन सा सुनना चाहेंगी आप? ईद के रंग लगा दें अच्छा अपना ट्रैक सुना दें। अपना ट्रैक मैं आपको म्यूजिक के साथ सुनाता हूँ सर। तो अभी एक और मेरे माइंड में एक सॉन्ग आ रहा है बड़ा खूबसूरत किशोर साहब का है, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ कर रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ। वंडरफुल थैंक यू खूबसूरत। इसके बाद आपके एल्बम का ट्रैक भी हम सुनना चाहेंगे। जरूर सर जरूर मैं सुनाता हूँ। मैंने अपनी एल्बम में एक कलाम भी बनाया तो उसको खुद मैंने कंपोज किया जी कलाम को। ये बाबा बुल्ले शाह साहब के चार कलामों को जोड़ के तो एक कलाम बनाया है मैंने। वो मैं आपकी नजर सुनाऊं जी। जी बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो है जी बिल्कुल ये मेरी अपनी जो हाँ जी बिल्कुल म्यूजिक में आप स्टार्ट कीजिएगा। नाम बाग विच
wonderful. बहुत मजा आया. Thank you very much. Wonderful. जबरदस्त. लग रहा है आज ईद है. जफर तो घर में भी जब आप ईद वाले दिन जी उसमें भी तो आपको फिर यही फरमाइशें होती होंगी जब खाना खा लिया उसके बाद के जी जफर साहब इसको कंक्लूड जी बिल्कुल अक्सर मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ जी जफर साहब बिल्कुल बताएं अपनी सिंगिंग की जर्नी ये थोड़ा सा बता दें फिर उसके बाद हम दोबारा सॉन्ग पे आएंगे. देखिए जी ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है. कब आपने आइडेंटिफाई किया इन यू के ये मुझ में है और मुझे प्रोफेशनल सिंगर बनना है. स्कूल्स में जब ये मिली नगमे और ये नात खानी के कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन विन किए स्कूल्स में भी. तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैंने पंजाब लेवल पे विन किया नात खानी में. और जो मेरी सिस्टर हैं इस टाइम अमेरिका में सिटीजन है वहाँ की उन्होंने ऑल पाकिस्तान विन किया नात खानी में. तो वो हम आपस में इस तरीके से एक दूसरे को सुनाते रहना और इस तरीके से तो ये सुर लय और ताल ये अल्लाह की देन है. ये तीनों चीज़ों का लाजमी होना ज़रूरी है तब जाके इंसान सिंगिंग में या नात खानी में या किसी भी मिली नगमात में पार्टिसिपेट. एक ऐड कर दूं चीज़ फिर वो कंटिन्यू कीजिएगा. वो जिस तरह कहते हैं ना कि अ पोएट इज बोर्न इज जस्ट लाइक अ सिंगर इज बोर्न. हाँ जी. अ सिंगर कैन नॉट बी मेड एंड पोएट कैन नॉट बी मेड. आप टकरा मार दे रहे हो तो सी नहीं बन सकते. जी बिल्कुल. सो आई एम जस्ट एडिंग. तो असातिज़ा जो होते हैं जैसे कि मेरे उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं और उन तो हमारी एक दफ़ा मुलाकात हुई जहाँ से वो स्टार्ट हुआ उनका मैं स्टूडेंट बना. रेडियो पाकिस्तान में हम लोग गए. मैं वहाँ पे गया उनसे मुलाकात हुई तो वहाँ पे एक पूरे असातिज़ा की महफिल लगी हुई थी. तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं उस महफिल का हिस्सा बना. और उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा कि जी जफर साहब कुछ सुनाएं. तो मैंने वहाँ पे मालकौंस राग सुनाया. मालकौंस राग जो है ये 5 सुरों पे होता है सर. तो मैंने जब ये सुनाया तो सब असातिज़ा ने मुझे गले लगाया और बहुत अप्रिशिएट किया. तो उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने वहाँ पे अनाउंस किया कि ये आज से मेरा शागिर्द है. और उन्होंने ये वर्डिंग उनकी थी कि 20-21 साल लग जाते हैं सीखते सीखते तब जाके ये यहाँ तक कोई पहुँच सकता है. तो आप तो माशाल्लाह स्टार्ट में ही आपने तो माल कौन सा राग से स्टार्ट कर दिया. तो मैं ये समझता उन्होंने काफ़ी पॉलिश किया मेरी सिंगिंग को. तो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है मैं समझता हूँ तो उनकी उनका काफ़ी इसमें है. तो कितने घंटे आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ते थे इसके? सर पहले तो ठीक है प्रैक्टिस हम लोग करते रहे. अब तो शोज इतने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कर लिए. 450 प्लस में शोज कर चुका हूँ. अच्छा, ऑल पाकिस्तान. अमेजिंग. तो अब रियाज वगैरह की इतनी जरूरत नहीं मैं फील करता. वैसे सेटअप सारा घर में मौजूद है. अक्सर बेश वो सब इकट्ठे होते हैं तो कोई महफिल वगैरह लगी रहती है एक दूसरे को सुनाते रहते हैं. और शुगल मेला पे तो डिमांड आती होगी. ईद पे क्या वैसे भी हमारे घर में अक्सर बेश वो शुगल मेला चलता ही रहता है. घर में किसकी किसकी विश को ऑनर करते हैं फर्स्ट ऑन ईद डेज सिंगिंग के? जो भी मेरे लिए सारे समझ लें कि टॉप पे ही है. नहीं किसी एक का नाम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि वापस घर पे जाके लड़ाई हो जानी है. मेरा नाम क्यों नहीं? बेगम का ले लें सब सब. बेगम जो है मेरी माशाल्लाह आपके बड़े भाई बेगम का सुल्तान सर मैं जानता हूँ. वो बड़े सख्त हैं कहीं वो ना गुस्सा. जी मैं आपको बताता हूँ पहली बेगम जो है मेरी वो बिल्कुल ही दो बेगम दूसरी का इंतजार है जी. अब बाद में इन्होंने कहना है कि इसे कट करवाएं किसी तरह. नहीं होगा बिल्कुल. नहीं मैं अपने लिए नहीं कह रहा किसी के लिए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही बेजौक है. उनको सिंगिंग शिंगिंग से कोई लगाव नहीं. उनको खाने से है तभी तो आप शेफ बने हैं. वो तो जी खाने से भी थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ इतना ज्यादा नहीं. वापस जाएगी ईद मुझे पता नहीं लग रही अच्छी नहीं गुजरने वाली. ईद का दिन खराब मत करें अपना. अपना खराब ना करें भाभी जी का दिन खराब करें. तो फरमाइश माशाल्लाह सबकी जो भी आती है सिंगिंग के हवाले से तो वहाँ बड़ा अच्छा शुगल मेरा लगा रहता है. चूंकि मैं प्रोफेशनल शेफ भी हूँ पाकिस्तानी कुजीन में जैसे कि आपने मेरा स्टार्ट में ही इंट्रोडक्शन करवाया. जी जी और मैंने खाया भी हुआ जिनका. जी तो बल्कि अनकरीब मेरा एक लाना था. अनकरीब मेरा एक यूट्यूब चैनल भी आ रहा है खाना विद लाइव गाना.
लाइव खाना विद लाइव गाने के तो हमें कब आप इनवाइट कर रहे हैं सीरियस नोट के ऊपर यहाँ पे लोग कमिट कर जाते हैं बाद में खिलाते हैं और कुछ नहीं तो थोड़ी देर बाद कलेजी बननी है उस पे इनवाइट मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल रियलिटी बेस के ऊपर आप सबको इनवाइट करता हूँ इसमें कोई वो समझने की बनावटी बात नहीं देख लीजिएगा रियलिटी आप बनावटी भी कहते आप लोग रियलिटी चेक ना दे दीजिएगा और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों ने नहीं जाके खाना उनके बिल्कुल प्रोड्यूस है और प्रोडक्शन में उसका मेन रोल होता है आपको पता है बल्कि दस बंदे जाके खाना ईद का बल्कि मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि अगली ईद का जब आप शो रखेंगे तो मैं बना के ले आऊंगा सर नहीं कर सकते इंशाल्लाह ताला जरूर आए तीन दिन ईद है ना आज शो है शो नहीं है हम इनवाइट कर रहे हैं तीसरा दिन कर लीजिएगा नहीं तो उससे कमिंग नहीं आ जाए आप लोग कल ही आ जाए इंशाल्लाह ताला क्या लाइक करेंगे आप लोग खाने में बहुत अच्छा बनाए बहुत अच्छा बनाता हूँ जी बीफ ही करेंगे वो तो खुद बड़ा लाए हैं तो मटन जी वो कह रहे हैं कि आप हमें बिहाइंड द कैमरा जो है हमें वो बता चुके हैं बच्चे की स्टोरी सुना रहे थे आप हमें बच्चा खिलाएंगे बच्चा जी मेरी राइट साइड के ऊपर मैंने राइट हैंड से पकड़ा हुआ था और बकरा लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ आप देख रहे हैं ना कि इस टाइम मेरी वो थोड़ी सी बकरा तो लाई नहीं आप क्या फिर बड़ा लाए सर वो ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था मैं ले आया बात सुने मैं आप खाना उनके पास नहीं है बात सुने आप मटन की बात कर रहे हैं मैं आपको वच्छे में से बना के खिलाऊंगा छोटी छोटी बोतियां धोखा और आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये मटन है कि बीफ है कैसी बात है ठीक है तो ये पकवान पे डिपेंड करता है क्योंकि बड़े गोश्त में भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ही मटन टाइप जफर साहब खाने कम बातें करें भूख लग रही है हमारा दूसरा एपिटाइट जो है सोल का एपिटाइट जो होता है सिंगिंग एक गाना और सुना दें अच्छा सा ठीक है ये मेरी एल्बम का एक और सॉन्ग है बहुत खूबसूरत कलाम के बाद अब ये मेरा एक सॉन्ग है बहुत अच्छा और बहुत मजा आ रहा है हमें गाने सुन के थैंक यू सो मच अभी तक आया नहीं है अभी तक नहीं अब स्टूडियो में तो कम आता है आपको पता है क्यों कोई नहीं खिलाएगा हमें स्टूडियो में नहीं घर में खाएंगे बस रूह की गुजार दे पेट की छोड़ जी बिल्कुल
जाए ना, जिया जाए ना, होके जुदा मेरे दिल नशी अब चैन रे ना। ओए तुम कहाँ भुला के मुझे, जाए ना जिया जाए ना जिया जाए ना, कोई तुम कहाँ भुला के मुझे, जिया जाए ना जिया जाए ना। शुक्रिया। और मैं साथ में आपको बताता चलूं कि इस्माइल कासिम साहब का भी टैलेंट मोर और लेस ये छुपे हुए रिस्तम है, ये भी अच्छा गाते हैं, गिटारिस्ट हैं जी। और मैं तो भूल गया इनको ये कहना कि आप गिटार लेके आइएगा, ये लेके नहीं आए, नहीं तो हम आपको बिल्कुल करता हूं, मैं रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करता हूं। और ये 3 महीने पहले गुजर चुके हैं, ये भी छुपा हुआ टैलेंट है। और एट द सेम टाइम एक और जो टैलेंट है वो मुझे लगता है कि अभी जो पाकिस्तानी टीम का हाल हुआ है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि जिनकी अपनी 5 दिन पुराने वाले दुख जो हैं हमारे, तो ये अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं और क्रिकेट मेरे साथ खेलते हैं, क्रिकेट खिलाएं, क्रिकेट में बात करें, जो नई टीम के लिए तो ये यंग है तो क्वालिफाई कर सकते हैं। एक वाहिद काम है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, अच्छे सिंगर, वो तो मैंने आपको बताया कि सिंगर इज बोर्न, वो टैलेंट जो है वो इननेट है, वो उसको एक्वायर करना बड़ा मुश्किल है। तो या तो जिसे कहते हैं ना कि उस सूरत में भी मुमकिन है, आजकल के सिंगर अगर कैदी नंबर 804 के हवाले से अगर गा लें कुछ तो वो तो जिसे कहते हैं फिर बेसुरा भी चल जाएगा, ये तो चलता है ना आपके सामने। जबान भी लड़क रही है वैसे, मैं डर गया बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा काला डाला हमारा मजाक है, ये मजाक नहीं होना चाहिए वैसे, हमने इस शो में कैदी नंबर 804 का कहा तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा ब्रेक लो उस तो बात जी। मैं सामना आप बताइएगा कि आप इसके अलावा कोई, हम इतनी सिंगिंग की बात चल रही है, अभी मैंने इस्माइल कासिम साहब के हवाले से बात की कि वो अच्छे सिंगर हैं एज वेल, और इनसे आखिर में हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दो कोई पन्ने सुना दें किसी तो आप बताएं, आप भी सिंगर बनने की तो हर इंसान ने कोशिश की होती है, चाहे बचपन में की हो चाहे बाथरूम सिंगर हो, तो वो तो कोशिश हर इंसान करता ही है, लेकिन इतनी अच्छी आवाज नहीं है तो मैं नहीं गाना सुना सकती, वो आप इधर ही लेके जाए। आपने सिंगिंग कभी ट्राई किया यूनिवर्सिटी में? बाथरूम सिंगर और इधर उधर मैंने कहीं ट्राई नहीं किया, बस मैंने अपने बेडरूम और वॉशरूम तक ही रखा है। जहाज उड़ाते वक्त, जहाज स्पेशली टर्बुलेंस में होता है तो उस वक्त उसमें गाने की जरूरत नहीं, खुद से निकलता है खुद से निकलता है। टर्बुलेंस में तो दुआएं निकलती हैं भाई, तो वैसे हमारी नहीं निकलती, पैसेंजर्स की निकलती है, हमें पता होता है कि टर्बुलेंस को हैंडल कैसे करना है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं हैंडल कैसे करना है, पैसेंजर्स की दुआओं के साथ कुछ और भी निकल रहा होता है, हमें इतना अफेक्ट नहीं करता। हम जब भी जिस फ्लाइट पे भी जाते हैं उससे पहले हम वेदर रूट और चीजें पढ़ के जाते हैं, हमें पता है हमें क्या मिलने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि फीमेल्स जितने भी हैं ना माशाल्लाह पाकिस्तान की खास तौर पे, उनको फ्लाइंग ही करनी चाहिए, रोड्स के ऊपर ड्राइविंग ना ही करें तो बेहतर। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, ऐसी बात नहीं। आप तो देखिए, आप तो मोटरसाइकिल अच्छी चलाते हैं, कंपीट मत करें आप यकीन करें, मैं एक चौक क्रॉस कर रहा था तो सामने फीमेल माशाल्लाह कार लेके अपनी, तो वो बिल्कुल मेरी तरफ ही रेस दी है, जब मैंने कही प्लीज मुझे कई बड़े अच्छे ड्राइवर भी अब आ गए हैं। नहीं नहीं, अब अच्छा है, अब अच्छा है मार्केट में अच्छी ड्राइवर्स आ गई हैं मार्केट में। नहीं देखिए, अब खवातीन तो मोटरसाइकिल चला रही हैं, आप क्रेडिट दें, खवातीन तो मोटरसाइकिल चला रही हैं, कौन सा काम है सर जो खवातीन सब नहीं कर रही? बेसिकली वो जो है ना घर, खवातीन स्पेशली जब पेरेंट्स इनको कॉन्फिडेंस दे देना हर, फिर कोई मुश्किल से कॉन्फिडेंस मिलता है। मेन चीज ये कि अगर घर से जो वो ही स्नब करते हैं ना, वही वाला के तुम ये नहीं कर सकती, प्रॉब्लम तब तब इमर्ज करता है।
नहीं, वैसे अब ये काफी हद तक कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है कि बेटी है तो ये नहीं करे, बेटी है तो वो नहीं करे, आप कहते हैं गो है, आप बेटे ही हो बेटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करें। नहीं वो आप कह रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मसला है। इनफैक्ट जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, मैं हम लोग बेसिकली लाहौर से नहीं है, मुल्तान, मुल्तान से भी आगे एक गाँव है वहां से है, और वहां पे रहते हुए मुझसे पहले जो मेरी बड़ी कजन्स थी, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वो स्कूल भी जाएं, और बस समझते थे कि घर पे बस छोटी सी उम्र में, जैसे थोड़ी सी मैट्रिक से पहले ही शादी कर दें और आपस में कजन्स। बट अब यहाँ से देखें ना कि चेंज हो चुका है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो फैमिली है, अब उनके माइंडसेट चेंज हो चुके हैं और वो कॉन्फिडेंस देते हैं, अदरवाइज तो बेटी वो बेचारी डर के साथ ही उसी उसमें रहती है कि नहीं मैं बाहर निकलूंगी तो माशा लोग लड़के स्कूल बोर्डिंग को फ्लां फ्लां फ्लां, कॉन्सेप्ट नहीं। क्या करते हैं जाके यहाँ से, शोर से घर जाएंगे क्या करेंगे, वेड़ा शेड़ा कर रहे हैं, कुर्बान क्या कर रहे हैं, बकरा वेड़ा बच्चा। मैं इनफेक्ट पहले दो टॉक शोज में बिल्कुल इसके बारे में बड़ी डिटेल बता चुका था, हमें कुर्बानी जो है, मैं तो उसमें कुर्बानी करने के बाद भाई के घर होता है गेट टुगेदर, पेरेंट्स का घर होता था, पेरेंट्स आर नो मोर, तो फिर वहीं पे जाके खाना वाना और बाकी सारी एक्टिविटी। अपने घर में कब बुलाते हैं आप? अपने घर में पहले अपना जफर साहब है, उसके बाद इन लाइन में आऊंगा। अब ये कमिट कर चुके हैं, वरना हमने इनको रियलिटी चेक दे देना है। नहीं नहीं, आपको आपके जहन में होना चाहिए कि आप सिंगर हैं और ये चार हम जर्नलिस्ट हैं। सर चेक की बात हो रही है तो मेरी एक छोटी सी विश है, मतलब यूं समझ लें कि एक बचपन से आदत है, और जैसे आपको खाने की चीज देख के क्रेविंग होती है तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मुझे भी होती है, तो मंगल लगी है। इतनी मंगल लगी, कैसा उठवा रहा है, उसने बिल्डअप किया हुआ है। ये बात सच है कि मुझे बचपन से अब तक सिर्फ ईद में एक ही जो है ना वो चाम नजर आता है, वो ईदी है, ईदी है, बड़ी बड़ी तो बड़ी छोटी ईद का मुझे नहीं पता, मगर मैं ईदी के बगैर नहीं जाऊंगी यहाँ से, मुझे ईदी चाहिए। आप अपने प्रोड्यूसर क्योंकि आपने प्रोग्राम करना होता है, घड़ी मेरे पास या मोबाइल मेरे पास गिरवी रखवा दे। ठीक है डन। और यहाँ पे आपके एक और टैलेंट को मैं आइडेंटिफाई करूँ, वो यही है कि आप इस सीट पे आए क्योंकि आप बड़ा अच्छा मॉर्निंग शो, बड़ा अच्छा होस्ट करते हैं। अभी आप होस्ट करें, तीन चार मिनट आप होस्ट करें ना, कंक्लूजन तक एंडिंग भी यही देंगे सर, एक्स्ट्रा भी यही से लेके आए, और ये वही तो शुभाश्री वाली फील आई, मैं मंगे नहीं आया। नहीं देखिए, अगर आप इसको मांगना कहते हैं तो ओके हिंदी में मांग रही हूँ, ईदी के बगैर आप होस्ट हैं, अब आप होस्ट हैं, दरअसल आप होस्ट हैं। ओके, मैं अगर होस्ट भी हूँ तो मैं ईदी आप लेके जाएंगे, चाहूंगी कि मेरे गेस्ट इतने टैलेंटेड और बड़े बड़े प्यारे प्यारी सी शख्सियात बैठी हैं और वो मुझे ईदी जरूर देके जाएं, ठीक है, डन, शो को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल जो हमें अच्छा ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है ना, पता नहीं क्यों हम लोगों के रंग भी उड़ जाते हैं और हम थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, बाकी जो ब्रेक में लाफ्टर चल रहे होते हैं वो अगर आप बाद में दिखाइएगा तो शायद हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आए। मैंने कहा आई होप कि इसमें भी अच्छे लाफ्टर है, मैडम मोहित साहिबा आप हमें इसमें हंसाना। जी जी, आपको तो मैं जरूर हंसाऊंगी अगर आप मोबाइल की जान छोड़ के। अच्छा, मुझे हर थोड़ी देर बाद ये याद दिलाना पड़ता है कि ये पॉलिटिकल शो नहीं है, ये चीज शो है। अच्छी बात है, वो तो कराएं, आदत पड़ी हुई है वो तो। जी जी, अगला सवाल पूछे, अगला सवाल आपसे ही पूछूंगी कि आप गाना कब सुनाएंगे। जरूर, अच्छा इंशाल्लाह वो इसी प्रोग्राम में ना, इसी प्रोग्राम पे कंक्लूजन आपको गाने से करेंगे। गुड, और बहुत अच्छा गाते हैं इस्माइल साहब, बिल्कुल इस्माइल साहब के गाने की तरफ आएंगे, लेकिन जिसे कहते हैं यू आर द प्रोफेशनल वन, और क्या आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपने वो जो एसोसिएशन भी बनाई हुई है मोहम्मद रफी साहब को ट्रिब्यूट पेश करने की, तो वो रफी साहब का कोई अच्छा सा सॉन्ग हमें सुनाएं, ट्रिब्यूट भी पेश करें, और वो एसोसिएशन का भी जिक्र करते जाएं, उसकी भी प्रमोशन करें। स्टार्ट में जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई हुई ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार, उसके हवाले से काफी शोज किए, तो मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, राग हमीर कल्याण से ये सॉन्ग है, क्लासिकल सॉन्ग है सर। कौन सा वाला? मधुबन में राधिका नाच, बड़ा मुश्किल सॉन्ग है, और ये एक जियो पे खबरनाक प्रोग्राम भी
चलता रहा है, उसके अंदर भी मैंने परफॉर्म किया था. गुड, निजी टेवन चैनल. बहुत एप्रिसिएशन मिली थी आफ्ताब इकबाल साहब की तरफ से, जबकि वो किसी की तारीफ नहीं कमी करते हैं. उनकी तारीफ ना करना है सेल्फ एग्जाल्ट ने. हां जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर. वो तुम्हें पता है किस वजह नाल ने मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका. ओदर नादर दिता नीता धार दीम दीम तना ना नादर दिता नीता धार दीम दीम तना ना नादर दिता नीता धार दीम दीम तना नादर दिता नीता धार ओदर ताना दिर दिर ताना दिर 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 तुम दिर 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 नादर गिरते के धुंध तेरे गिरते के तेरे के धीरते के तादा नी नादर दिता नीता ओदर नादर दिता नीता ओरे नादर दिता नीता धार दीम दिन तारे दीन दिन तारे दीन. इससे पता चलता है क्लासिकल गाना आसान नहीं होता, ऑलवेज अ टफ थिंग. और इससे सिंगर का पता चलता है कि किस तरह आवाजें कहाँ से निकालनी होती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, टीढ़ चौं आधा करनी होती है. बड़ी एनर्जी बिल्कुल. और जी नो डाउट. और पूछूंगा सबसे कि आप ईद प्लान्स आगे दो दिन मजीद, आज का भी शाम, यूजुअली आपने वो मूवी का भी कोई प्लान किया होता है, आप बताएं आपसे एंड स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम यू, कौन सी मूवी प्लान की हुई है देखने के लिए? मूवी का शौक है? मूवी अभी वैसे कोई सोची नहीं है ऐसी, लेकिन मैं बताऊंगा. नहीं सोची एंड पे कौन सी आप लोगों ने देखनी है फिर रिकमेंड करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल करूंगा, लेकिन अभी नहीं सोची आपने? नहीं अभी कोई नहीं सोची, क्योंकि गेट टुगेदर इतनी होती है, फैमिलीज की तरफ जाना होता है, फ्रेंड्स की तरफ जाना होता है. मूवीज का शौक है, अभी शौक तो है, तो आपने रेकमेंड करनी है ताकि मैं देखूं. जफर आप शौक है? पहली चीज तो ये कि आपने सुबह सुबह सर बुला लिया ईद वाले दिन. नींद नजर आ रही है अभी, बच्चा छोड़ के है, बकरा छोड़ के है, आपने हमें यहाँ बुला लिया. तो ये मैंने जितनी भी सिंगिंग की है ये नींद में ही की है. तो अब ये है कि प्रोग्राम से वापसी पर थोड़ा सा सोएंगे और कुर्बानी जो है मूवी कौन से देखेंगे? नेक्स्ट डे करेंगे सर. मूवी का मुझे शौक नहीं है. ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक मरतबा देखेंगे, उसके बाद आपको शौक बढ़ जाएगा. जी अच्छा, इसमें ही लापता सर सो के गुजरेगा बाकी सारा दिन. सो जाएंगे जाएगा मूवी मूवी वो तो सोएंगे आराम से, जो लेजर टाइम में हम मूवीज देखते हैं. मैं दोबारा फ्रेंड्स लगा लूंगा, दोबारा से फ्रेंड्स देखूंगा. अच्छा फ्रेंड्स देखेंगे, फ्रेंड सीजन जो है 999 दफा देखने के बाद और 999 दफा. अच्छा क्या खास बात है उसमें? फ्रेंड्स थेरेपी है, फ्रेंड्स थेरेपी है, फ्रेंड्स आपका एक उसके आपने बच्चा नहीं लेके जाना घर? नहीं बच्चे घर मौजूद हैं सारे, वो जाएंगे तो पड़े होंगे जमीन पे, उठ के हम खाने वालों में से हैं. लेकिन फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीज है, फ्रेंड्स दुनिया को पता है कि फ्रेंड्स के जो सीजन जो है like कि क्या है. मैं उसमें वो ले रहा हूं कि इसमें टेक अवे क्या है? थेरेपी है, एक उसके साथ कनेक्शन डेवलप होता है कि कैरेक्टर्स के साथ, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और उस जमाने के हिसाब से वो बहुत मॉडर्नाइज्ड आपको एक कॉन्टेक्स्ट देता है. ह्यूमर बड़ा अच्छा है उसका, करेक्टर बिल्डिंग बड़ी अच्छी है उसके अंदर. उसके अलावा ब्रेकिंग बैड है वन अनदर वन ऑफ द सीजन जो कि मैं रेकमेंड करूँ. उसके अंदर आपको अगेन बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं, वो सीजन है जो कि आप बार बार रिपीट पे देख सकते हैं. और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, मुफ्त में रिकमेंडेशन बांट रहे हो, मैंने भी बांट दिया. अब आप अपनी स्टोरी सुना दें मूवी वाली. पहले पहले शुमाला से पूछते हैं. पहले तो ये है कि टाइम ही नहीं मिलता ईद के दिनों में, इतना आना जाना लगा रहता है कि आप मूवी भी देखें. रात को भी वैसे मूवीज आप पसंद करते हैं सीजन? राइट, मैं पंजाबी मूवीज जो है वो बहुत पसंद करती हूँ. अच्छा मौला जट वाला? नहीं पंजाबी, वो जो सिखों वाली कॉमेडी वाली. अच्छा अच्छा, वो हाँ जी. सोनम बाजवा? बिल्कुल, नीरू बाजवा, सोनम बाजवा, सारे बाजवा जितने भी है ना, इधर के बाजवा को भी पसंद करते हैं. पिछले वाला बाजवा भी पिछले वाले मतलब सोनम बाजवा की जगह पे. मां बाप की इकलौती बेटी हूं और वो मेरे साथ खुशी खुशी ईद मनाना चाहते हैं. मुझे काला डाला बिल्कुल पसंद नहीं है. काला डाला बाजवा से? जी बिल्कुल, लेकिन अच्छी है, अच्छी इंडियन पंजाबी मूवीज जो है काफी उसमें बहुत आपको लाफ्टर देता है. आपको बेसिकली बहुत अच्छी थेरेपी है. थेरेपी मीन डी स्ट्रेसिंग पिल है आपको. आप जितना दिन का स्ट्रेस है अगर आप वो देख लेते हैं
दिन का स्ट्रेस है या वीक का स्ट्रेस है, वीक में एक मरतबा देख लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। मैं उसमें आपको रेकमेंड करूंगा कि जो हॉलीवुड का क्लासिकल इरा है 1935 टू 50 या 55 तक, ये जो 20 साल है, इस 20 साल के अंदर की आपको एक से एक बढ़ के क्लासिकल मूवी है और आप देखने बैठते हैं तो यू आर ग्लूड टू इट ना, आप उठते नहीं है जब तक मूवी खत्म ना हो जाए। अगर आप ईद में आपके पास टाइम हो तो मस्ट सी वाटरलू ब्रिज। वाटरलू ब्रिज 1941 में आई है और इसमें लीड प्ले की है वेमन ली ने, वेमन ली आपकी गॉन विद द विंड जो कि 100 साल तक चलती रही है 1939 में क्लार्क गेबल के साथ थी, तो वेमन ली और साथ में रॉबर्ट टेलर, वंडरफुल मूवी और वर्ल्ड वार टू है, वर्ल्ड वार टू के बैकड्रॉप में ब्यूटीफुल लव स्टोरी है और ये मैं आपको उसमें कहता हूँ कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार और फिर उसमें बाद में फिर वेमली को निकाल लेना, आप कहेंगे मैंने वेमली की जितनी और बड़ी मूवीज हैं रॉबर्ट टेलर की मूवीज हैं वो हम देख सकते हैं। हम क्यों ना इनके साथ फ्लाइंग करें एक उसी प्लेन के अंदर हम मूवी, लेकिन लेकिन ये तो करेंगे लेकिन ये तो सेसना प्लेन चलाते हैं उसमें वो जर्नलिज्म हमें पढ़ाते रहे हैं ठीक है, तो वो यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेटर ही शो करवा रहे हैं कि उस तरह की मूवीज देखें। उसके अलावा हम चूंकि मीडिया से जुड़े हैं बिल्कुल और आप तो मूवीज कम देखते हैं लेकिन ये भी देखिएगा उसमें ग्रेगरी पैक के नाम से कौन नहीं, उसमें ग्रेगरी पैक की है ग्रेट सिनर है राइट 1949 की है आई गेस और उसमें इतना वो राइटर होता है और जिस तरह होता है ना जिस तरह एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो रूप धार लेते हैं दूसरा उसको समझने के लिए, तो सिमिलरली वो भी रूप धारता है उसके बाद वो कहता है कि ये स्टोरी मैं लिख नहीं सकता इसमें लिविंग किए बगैर, तो ग्रेट सिनर इज वन ऑफ द ईवा गार्डनर के साथ है और ईवा गार्डनर को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि खूबसूरती क्या होती है, खूबसूरती का मुजस्मा कहलाती थी ऑफ दैट टाइम। पाकिस्तान में भी आई है वो 1957 में उन्होंने मूवी की है भवानी जंक्शन रेलवे पूरा लोअर उठ गया से उस जाके देखने लगी एंड शी वाज सच अ गॉर्जियस लेडी, तो आपको ईवा गार्डनर की ग्रेट सिनर क्रिएटिव पैक एंड ईवा गार्डनर और दूसरी मैंने वाटरलू ब्रिज और लोग मैसेज भी कर दीजिए और जी जी और मैं बिल्कुल ऑडियंस को भी कहूंगा कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है डाउनलोड कीजिएगा देखिएगा और आप कहेंगे कि इससे वर्थ काइंड ऑफ सजेशन। हमारा क्लोजिंग का टाइम हो रहा है नहीं और उससे पहले ईदी बिल्कुल आपको मिलेगी इसके बाद, मुझे नहीं लगता कि ईदी के बगैर आप जाने देंगी और क्लोजिंग पे भी आपको हम फिर नेक्स्ट पे हम सुनेंगे और आप गिटार भी लेके आइए ठीक है और आपने भी बाथरूम सिंगिंग जो है वो इधर शो सिंगिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा जी। जफर आप लास्ट पे हमें स्टार्ट में मैंने जो क्वेश्चन इनसे किया था वो तो बीच में रह गया, वो बीच में रह गया खत्म हो जाएगा आपका गाना रह जाएगा। ये मैंने एक शोज के हवाले से अपने जो मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह करता हूँ ये शोज गेट टुगेदर होते हैं तो उसमें अक्सर बेश वो डिमांड करते हैं कि जी कोई वो डांसिंग टाइप कोई ऐसा हो तो वो एक मैंने मैशअप बनाया है तो वो आपके लवली सुनाए आप अभी। इससे पहले कि अगला एंडिंग सॉन्ग चले मुझे ईदी दे दें प्लीज। ईदी वॉलेट नीचे है मैंने पकड़ा गाड़ी में पॉकेट में, मैं आपको सिफारिश करता हूँ इनको प्लीज ईदी नहीं वॉलेट नहीं है छोटे कहीं ना छोटी जेब में से ये मेरी तरफ से चलेगा कैमरा गुआ रहेगा जर्नलिस्ट है छोड़ते नहीं है जी जफर साहब एक शो एंडिंग सॉन्ग सुना दीजिएगा पब्लिक को अम्यूज कर दीजिएगा। सारे गिंदनिया च तेरी मैं ता जागा राता नू रोक न पावा अखिया विचों गंदिया बरसाता नू तेन पकड़ना
ਤੇਰੀ ਨੀਂਦ ਚੁਰਾਵੇ ਬਿਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਕੜਾ ਬਿਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਕੜਾ ਬਿਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਕੜਾ ਬਿਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਕਕੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਨਿਭੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਘੁਮਾ ਜਾ ਨਿੱਤੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਨਿਮੰਗਾ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾ ਜਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕੜਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪਾਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਪੰਜਾਬਣ ਨੱਚ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਖਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ ਕਰ ਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪਿਆਰ ਨੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ ਨੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਹਣਿਓ ਵੇ